अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये कलियों वाली फ्रॉक सिलाई करेंगे। बचे हुए कपड़े की जो कलियां हैं इसकी हमने फ्रॉक सिलाई करनी है। ये आपको नज़र आ ही रही होगी, इससे पहले हमने पहले बड़ी कमीज कटिंग की थी, ये उससे कपड़ा बच गया था और अब इसकी हम एक और फ्रॉक सिलाई करते हैं। और ये भी पीस हैं, और इसके बाद ये भी, ये बड़ा पीस है। इन सारों को हम मिला के फ्रॉक सिलाई करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये पीस हम लेंगे, इसको इसके साथ अटैच करेंगे। और ये हमने क्या करना है, फ्रॉक की ये हमने पेटी बनानी है और इसका हम माप करने करते हैं कि कितनी लेंथ हमने इस की रखनी है। हमने करने रखनी है 17 इंच। इधर से हम ये कटिंग कर लेंगे थे। और अब इस कपड़े को हम इधर से भी कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा हमने काट लिया है, अब इनको हम लैदा लैदा कर लेंगे, क्योंकि ये डबल है ना, और फ्रंट साइड और बैक साइड का ये कपड़ा है। अब हमने क्या करना है, ये फ्रंट साइड का कपड़ा है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसकी हमने थोड़ी सी डिजाइनिंग करनी है फ्रंट साइड पे। इधर से हमने थोड़ा थोड़ा सा पहले हमने पेटी का माप करके कटिंग कर ली है वो वाली, और अब उसका जो फ्रॉक है नीचे वाली, तेईस इंच पे हमने नीचे वाली फ्रॉक रखनी है। इधर हम निशान लगाएंगे। ये देखिए निशान हमने लगा लिया, अब हम कटिंग करेंगे। ये डबल कपड़ा था, अब हम इनको कटिंग करके सिंगल सिंगल करेंगे। ये अब इन्हें कटिंग कर लिया, अब इनको लेवल लेवल करेंगे। ये दो पीस हो गए। ये फ्रंट साइड का हमने कपड़ा लिया है, अब इसको ये 14 इंच का माप करके हम कटिंग कर लेंगे इधर से। और ये जो दूसरा कपड़ा है इसके अंदर वो डालेंगे हम, और इसकी डिजाइनिंग करेंगे हम। ये जो हमने कपड़ा लैदा लैदा किया है, और ये कपड़ा हम इसके अंदर लगा के इसकी डिजाइनिंग करेंगे।